बीएसपी की नगर सेवाएं इन्फोर्समेंट टीम ने सेक्टर 6 सतना भवन के सामने वर्षों से काबिज दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई की। बांस बल्ली के सहारे बनाई गई दुकानों को जेसीबी से ढहाकर खाली जमीन पर पौधे रोपे गए। गुरुवार सुबह कार्रवाई से प्रभावित दुकानदार फिर अपने सामानों के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान लगाने अथवा नहीं लगाने पेशोपश में पड़े रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से प्रभावित दुकानदारों ने चर्चा की और अपनी परेशानियों को बताते हुए डीसी प्रबंधन से मुलाकात करने की बातें कही। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। सेक्टर 6 मस्जिद रोड में बुधवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के की टीम द्वारा इस सतनाम भवन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले कई सालों से कपड़ा व्यवसायियों द्वारा कपड़ा का काम के छोटी मोटी दुकानें लगाई जाती थी, उन्हें हटा दिया गया। अभी उन्हें हटा करके यहाँ पे एक पूरी लाइन से पौधारोपण कर दिया गया। अब चूँकि दुकान हटाए जाने से ये स्थानीय जो व्यापारी है बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जीविका का साधन एकमात्र ये दुकान थी। पूर्व में चूँकि ये इनके द्वारा रोड के किनारे व्यवसाय किया जाता था, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी और दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती थी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये सड़क से काफ़ी दूर हट करके एक ये जालीदार जो देख सकते हैं आप, ये जालीदार एक बाउंड्री बनाई गई उससे लग करके उसके पीछे इनके द्वारा व्यवसाय किया जाता है। उसके बावजूद कल इन्हें हटा दिया गया, जिससे काफ़ी परेशान है। हालांकि ये आज गुरुवार की सुबह फिर से इस स्थान पर काबिज होने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानीय व्यापारी जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, जिन्हें जो इस बीएसपी की इस कार्रवाई से प्रभावित हुए। आइए हम उनसे चर्चा करके जानने का यह प्रयास करते हैं किस तरह की परेशानी, किस तरह की कार्रवाई की गई। हाँ मैडम, आप ये बताएंगे आप कब से इस स्थान पर दुकान लगा रहे हैं? हम लोग 10-15 साल से यही दुकान लगा रहे हैं, 10-15 साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं। अपना है ना, परिवार पाल रहे हैं यहीं से, 10-15 साल हो गए, छोटे छोटे परिवार है हम लोगों का, और हम लोग 10-15 साल से यही, और वो लोग जो बोलते थे हम उन्हीं के कहने पर सब उनके रजामंदी से यहाँ बैठते थे। ऐसा नहीं कि हम कोई कब्जा कर रहे थे कि कोई उनसे वो भीड़ रहे थे, कुछ भी नहीं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग यहाँ बैठते थे, कोई कब्जा नहीं। सुबह लाना, पूरा सामान लाना, तरपाल बांधना, पूरा कपड़ा लगाना, और सुबह ये पूरा रोज होता है, फिर शाम को हम लोग व्यवसाय करके पूरा सब लोग उठा के फिर अपना सब रख के फिर अपना व्यवसाय करते थे। और है ना, हम लोग कोई कब्जा नहीं करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ बैठने दिया जाए और अपना परिवार पालने दिया जाए और हम लोग को व्यवसाय कर दिया जाए। हम लोग को कोई कब्जा नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है इसकी सूचना आप लोगों को पूर्व में दी गई थी क्या, या ऐसा कुछ कहा गया था आपसे अधिकारियों द्वारा कि अपनी अपनी दुकानों को हटा लो? हाँ, वो बोले थे हमको कि उठा लो यहाँ से, यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा आप लोगों को, बोले थे हम लोगों को कि उठा, पर हमने उनसे अनुरोध किया था कि नहीं सर, हम लोग को बैठने दिया जाए, पूरा सब लोग लगा रहे हैं, सब अपना परिवार पाल रहे, व्यवसाय कर रहे, तो हम लोगों को भी बैठने दिया जाए, हमने ये सब बोला था, हम ये गलत नहीं बोलेंगे सर, हमको बोला गया था कि उठा लो, पर हम लोग उनसे अनुरोध किए थे कि नहीं हम लोग को बैठने दिया जाए, और जो उनका किराया भाड़ा जो भी होगा हम लोग बैठ यहाँ पे मतलब भरने को तैयार है। क्योंकि किराया जैसा आप बोल रहे हैं किराया भाड़ा के लिए, तो किराया भाड़ा के लिए पहले किसी तरह की कोई चर्चा हुई थी क्या आपकी किसी अधिकारी से? नहीं सर, कोई चर्चा नहीं हुई किसी अधिकारी से, कोई नहीं चर्चा हुआ है। हमारे साथ कुछ अन्य व्यापारी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पिछले काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पे अपना व्यवसाय करते आए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, आप ये बताएंगे। हम लोग दस पंद्रह सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, यही दुकान लगाते, सुबह लगाते, शाम को पूरा व्यवसाय समेट के चले जाते अपना काम, बस वही है, बाकी और कुछ भी नहीं है हमारा काम। क्योंकि अभी बीएसपी द्वारा आप लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसके बाद आप लोगों की क्या 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 योजना, किस जगह किस स्थान पर व्यवसाय करने की सोच रहे हैं? चूँकि अभी देखा जा रहा है कि आप लोगों द्वारा यहाँ पे फिर से सामान को ला करके रखा गया, फिर से एक बार तैयारी की जा रही है व्यवसाय को शुरू करने के लिए? व्यवसाय तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते शुरू, हम लोग तो निवेदन कर सकते खाली कि हम लोग को भैया घर बार हम लोग चला रहे हमारा, और हमको खाली और कुछ नहीं, राहत हम लोग को चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को, ना हम लोग कोई यहाँ पे कब्जा कर रहे ना कुछ भी नहीं कर रहे,
हमारे ऊपर आरोप लगाते कि हम लोग कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि अभी लगभग कितने दुकानदार हैं जो यहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे वक्त से व्यवसाय करते आ रहे हैं? 20 परिवार के लोग हैं यहाँ पे जो हम यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं शुरू से। 10-15 कम से कम 200 परिवार हैं। हम तो उसमें लोग हैं हमारे 150 से 200 लोग हैं, परिवार बच्चों के साथ सभी। जैसा आपके द्वारा बताया गया कि 150 से 200 लोग, अभी ये भी देखा जा रहा है कि अभी भी आज की स्थिति में भी आगे कुछ दुकानें संचालित हैं जो सड़क से लगी हुई हैं उधर, तो अब उनको वो उनका कैसे बात हुआ है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें हमारे ऊपर खाली ये विपदा आई है और हम ही को खाली यहाँ से खाली किया जा रहा है, करा जा रहा है। तो अभी आगे क्या किस तरह की योजना, अभी आगे आज से आप लोग फिर से व्यापार शुरू करेंगे या कि अभी एक बार जाकर के BSP के अधिकारियों से किसी तरह की कोई चर्चा करेंगे? सर हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते कि हमको यहाँ पे व्यवसाय करने दिया जाए सर, और बाकी हम लोग को और कुछ मांग नहीं है हमारी, आपसे निवेदन है BSP वालों से कि उतना हमारे लिए रियायत दिए जाए, राहत दिया जाए। ये थे हमारे साथ स्थानीय कुछ व्यापारी जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर व्यवसाय करते आ रहे हैं, चूँकि सड़क छोड़ करके इनके द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। जो पूर्व में सड़क पर पार्किंग की स्थिति, जो खरीदारी करने आए थे उनके द्वारा अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क कर दिया जाता था, जिसकी वजह से सड़क जाम की स्थिति बनती थी। अब चूँकि ये जो दुकान फिलहाल वर्तमान में इनकी जो दुकानदारी चल रही थी कल तक, वो सड़क को छोड़ करके की जा रही थी, तो वह खरीदी करने आए लोगों द्वारा भी अपने वाहनों को सड़क के से नीचे पार्क किया जाता, तो किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होती थी। हालांकि शाम के समय थोड़ी यातायात व्यवस्था चरमरा जाती थी, कई लोग जो अपने वाहनों को सड़क पर पार्क कर देते थे, इससे दुर्घटनाओं की संभावना बने रहती थी। हालांकि अब BSP द्वारा यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई है, कल सुबह 5 बजे से तमाम संसाधनों के साथ लैस होकर के यहाँ पे जो पंडाल लगाए गए थे, तंबू लगाए गए थे, बांस बल्ली से जो कब्जा वगैरह किया गया था उसे हटा दिया गया। अब ये सड़क परिवार फिर से एक बार सड़क पर आ चुके हैं। हालांकि आज इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अभी सामान तो ला करके रखे हैं काफ़ी दुकानदारों ने, अब आगे इस पर BSP प्रबंधन क्या निर्णय लेता है। हालांकि इनसे चर्चा के दौरान इन्होंने हमें यह भी बताया कि ये पूरी तरह से तैयार है, BSP की है, नियम और शर्त मानने को तैयार है, लेकिन अधिकारी चूंकि ये जाते हैं तो उनसे चर्चा करने को कोई जिम्मेदार अधिकारी तैयार नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या है कि है। तो BSP प्रबंधन आने वाले समय में इस पर क्या निर्णय लेता है, आने वाले समय में क्या ये फिर स्थान इसी स्थान पर अपना व्यवसाय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।